हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्रिजेश दवे है, मैं राजकोट से हूँ। मैं अभी बीए विथ इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, कॉलेज में हूँ, लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में हूँ। ये अभी दिखता नहीं है, मैं जब नाइन्थ स्टैंडर्ड में था तब हाफ पूरा हो चुका था, नाइन्थ स्टैंडर्ड हाफ चक्कर हो चुका था, तो तभी थोड़ा थोड़ा विजन में लॉस होने लगा। इसलिए हमने डॉक्टर को सबको दिखाया तो वो बोले कि आँखों की जो नस होती है वो सूख रही है। तो उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस में, वो सुन के थोड़ा कॉन्फिडेंस में बहुत मैं ऐसा हो गया था कि पूरा डाउन चला गया था कि कैसे करूँगा अब, क्या फ्यूचर, क्या करियर, सबके बारे में बहुत परेशान सा हो चुका था। तो फिर भी घर से सपोर्ट जो आया उसके वजह से मैं आगे कर पाया, वो जो टेंथ का एग्ज़ाम दे पाया और वो सब उसमें अच्छे से हो चुका। और जब टेंथ का एग्ज़ाम दिया वो सब थोड़ी प्रोसेसर थोड़ी ज़्यादा रही, क्योंकि राइटर की प्रोसेसर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता था अपने हाथ से, इसलिए कोई चाहिए सा हेल्पर की तरह कि कोई पेपर लिखे। और फिर वो एग्ज़ाम पास की, उसमें 92 PR आए। और फिर उसमें पढ़ाई में बहुत ऐसा होता था कि कभी कभी मम्मी को, कभी कभी सिस्टर को बिठा के पढ़ना पड़ता था, तो फिर भी ऐसा चलता रहा और फिर भी मैंने किया। जब मैं 11th में था तभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी कुछ अदर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और घर से भी मुझे कहा गया कि तुम कुछ अलग करो, कुछ एक्टिविटीज़ में पार्ट लो तो कुछ अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट चुना, वो भी कीबोर्ड, और उसमें मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फिर मैं क्लास में पहले मैंने कीबोर्ड का रखा, तो उसमें मेरे साथ पापा आते थे हर रोज़, एक घंटा हर रोज़ होता था उसमें, और वो मुझे लेने आते थे, मुझे छोड़ने आते थे, और फिर बाद में वो मुझे वापस लेके जाते थे, और वहाँ एक घंटा वो भी अपना कुछ काम या कुछ ऐसा करके वहाँ भी वो भी रुकते थे। अभी जो मैंने कीबोर्ड के बारे में सोचा है वो है कि अभी आगे मुझे बड़े बड़े से प्रोग्राम में पार्ट लेना है। मेरे सर है अनवर हाजी करके, वो राजकोट के तो नहीं बोलूँगा मैं, पर पूरे इंडिया में मास्टर कहलाते हैं म्यूज़िक के फील्ड में। मुझे उनके साथ, उनके वो गा रहे हैं और मुझे उनके प्रोग्राम के साथ कीबोर्ड बजाना है। और उसके अलावा मुझे नेक्स्ट ईयर UPSC की एग्ज़ाम में क्लियर करना चाहता हूँ, उसकी प्रिपरेशन भी मेरे हिसाब से थोड़ी थोड़ी सी मैंने स्टार्ट की है, और मुझे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस होगा तो मैं ज़रूर वो पास आउट कर पाऊँगा। जिस परिश्रम से, और कोई भी परिश्रम से हम लोग कहीं भी, हम चाहे वो जो गोल सेट करें वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, और यहाँ तक मैं भी थोड़ी थोड़ी मेहनत करके पहुँच सका हूँ, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा अपना गोल सेट करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये मेरी कहानी थी और ये आपकी कहानी अब क्या। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.